आने सिक्स क्लास का पार्ट चार अक्षरों का महत्व गुणाकार मूले इसके लेखक हैं। तो अक्षर अक्षरों का महत्व है, इसका क्लास वर्क आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। सुनिए बोलिए, पेज नंबर 39 सुनिए बोलिए, पढ़िए लिखिए, ये प्रश्नोत्तर आपको लिखना है, ठीक है। क्लास वर्क में कंप्लीट करना है क्लास वर्क। प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे? प्राचीन काल में लोग जंगलों व गुफाओं में रहते थे। वे पहले कच्चा मांस खाते थे। पहले के लोग क्या करते थे? गुफाओं में रहते थे इंसान, और कच्चा मांस खाते थे क्योंकि उनको उतना ज्ञान नहीं था। लगभग 10,000 साल पहले से आदमी ने गांव को बसाना आरंभ किया। 10,000 साल पहले क्या है, इंसान बस्ती बनाना शुरू कर दिए, गांव बनाना शुरू कर दिए, खिप खेती करने लगा। उसके बाद क्या है, वो खेती करने लगा यानी अनाज उगाने लगा। उसके बाद पत्थरों से औजार बनाए, फिर उन लोग क्या करे, पत्थरों से नुकीले औजार बनाए, इस तरह के जो अगर कोई भी एनिमल्स कुछ भी इनके ऊपर हमला करे तो क्या है, इससे उस अपना बचाव कर सकते। उनका इस्तेमाल करने लगा। वह पशुपालन भी करता था, पशुओं को भी पालता था, जैसे बकरी है, कुत्ता है, गाय भैंस, इस तरह के वो पशुओं को एनिमल्स को पालते थे, पालते जानवरों को। इसी प्रकार वह अपना जीवन यापन करते थे, इस प्रकार वो अपना जीवन जीते थे। किसके ज्ञान से मनुष्य सभ्य बन पाया? अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षर यानी लेटर्स, लेटर की खोज ही सबसे बड़ी खोज है। जैसे आई है, वो है तो ही शब्द बनते, शब्द है तो ही वाक्य बनते। इसके बाद ही नए युग की शुरुआत हुई, तब से मानव सभ्य कहा जाने लगा। जब से वो अक्षरों की खोज करा, जब से नया दौर शुरू हो गया, और इंसान क्या करने लगा, कल्चर्ड बन गया। पेज नंबर 40 नेक्स्ट, यहाँ देखो, प्राचीन समय से वर्तमान समय तक क्या परिवर्तन हुए, उदाहरण सहित बताइए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों द्वारा अपने भाव व्यक्त किए। पहले क्या करे मनुष्य, चित्र यानी डायग्राम्स उतार के अपने भावों को व्यक्त करे। इस समय पशु पक्षी या अन्य चित्र अक्षरों के लिए प्रयोग होते थे। जो पशु पक्षी रहते थे वो अक्षरों के लिए उसका प्रयोग करते थे, प्रयोग यानी यूज़ करते थे। फिर भाव संकेत आए, फिर उसके बाद क्या है, भाव संकेत आए। भाव संकेत यानी जैसे खामोश बैठो बोल के बोलते ना, खामोश बैठो, इधर आओ, ऐसा ये संकेत है। जैसे वृत्त रेखाएँ यानी ऐसे गोल रेखाएँ, सूर्य यानी ऐसे सन, ठीक है, चांद यानी चांद, ऐसा उतार के वो लोग बताते थे। इसके बाद आज के अक्षरों की खोजी, इसके बाद ही ये ऐसा उतार के वो लोग संकेत भाषा बताते थे, उसके बाद ही अक्षरों की खोजी। तो इस तरह सुनिए बोलिए पढ़िए और लिखिए, पेज नंबर 40 के प्रश्नोत्तर आपको क्लास वर्क में लिखना है। धन्यवाद।